शार्प मीडिया विथ अंशुमान पांडे और विशेष बातचीत में हमारे पास आज रामकोला थाने की एक यहाँ पीड़िता मौजूद हैं जिनका नाम सरिता है। उनके साथ उनके भांजे भी यहाँ मौजूद हैं जो लोग ज्ञापन देने डीएम साहब को आए थे। अभी हम जानते हैं कि इनका क्या मामला है और किस लिए ये दर दर भटकने को मजबूर हैं। सरिता जी, क्या मामला है, क्या वारदात हुई थी और कितने दिन पुरानी घटना है? 2 साल पहले है, 2020 का जी। हमारे गांव का प्रधान है, झोला छाप डॉक्टर है। अच्छा, डॉक्टर ही करते करते वो प्रधान हो गया है। अच्छा। हमारे घर दवा करने आता था। हाँ। तो दवा करने के बहाने हमारे साथ छड़कानी करने लगा, मैंने हल्ला कर दिया, जबरन बलात्कार की भी कोशिश की। हाँ, बलात्कार किया, बाद चाकू दिखा दिया। उसके बाद से मैंने हल्ला कर दिया, चाकू दिखा दिखा कर संबंध बना लिया। अच्छा। बाद से लालच दिखाने लगा कि हम तुमको आवास दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, देना ही। 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था आपका? कोर्ट से हुआ। आज तक अभियुक्तों की सुनवाई नहीं हुई। आज तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं। क्या आपको पता है कि आपकी विवेचना पूर्ण हुई या नहीं हुई? नहीं। 164 के तहत कंप्लेंट केस दर्ज हुई थी आपकी? हाँ। तो आप क्या मांग करना चाहती हैं? आज आप डीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब से आप मिली हैं तो गिरफ्तारी के लिए कहे हैं डीएम साहब, एसएचओ से बात किए हैं? एसएचओ की क्या भूमिका है? रामकोला के कोतवाल आपकी मदद करते हैं? नहीं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? यही करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। गिरफ्तारी हो, वो जेल जाए, आपको न्याय मिले। हाँ, यही चाहते हैं। आज सुनने में ऐसा भी आता है कि आप अपने गांव से बाहर रह रही हैं कहीं। हाँ, क्यों? उसके आतंक से, डर के मारे धमकाता है आपको? हाँ, घर पर आकर कोई आदमी भेज कर धमकाता है। आपके पति कहाँ हैं? बम्बई है। काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति डर के मारे भाग रहे हैं, भाग गए हैं। आप अपने बहन के घर पे रहती हैं? हाँ, यानी आप घर गांव से भी अपने निष्कासित हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शार्प मीडिया के लिए अंशुमान पांडे की रिपोर्ट।